गाइस, फोटोशॉप में हज़ारों टूल है और इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे वीडियो है जो बताया गया है कि उस टूल को आप ऑपरेट कैसे कर सकते हो या उस टूल का काम क्या है। लेकिन मैंने अभी तक एक भी ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें ये बताया गया हो कि उस टूल को रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे रियल लाइफ मतलब कि अगर आपके पास कोई वर्क आता है किसी बैनर या पोस्टर का, तो उस टूल के यूज़ से आप बैनर या पोस्टर कैसे बना सकते हो। तो गाइज, आज का जो टूल मैंने सेलेक्ट किया है वो है क्लिपिंग मास्क। तो गाइज, क्लिपिंग मास्क के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे, और जिसको नहीं पता उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज मैं उस टूल का रियल यूज़ बताने वाला हूँ कि आप उस टूल के मदद से आप कैसे बहुत ही इंप्रेसिव सा बैनर या पोस्टर बना सकते हो। तो गाइज, मेरे पास ये इमेज है और मैंने इसको इंटरनेट से ही डाउनलोड किया है, और इस इमेज का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसको यूज़ कर पाओगे। इस इमेज का मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके मैंने कुछ ऐसा ऐसा बना लिया है। बैकग्राउंड रिमूव करने का वीडियो नहीं डालता बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ बैकग्राउंड रिमूव करने में, और मैं पेन टूल से बैकग्राउंड हमेशा रिमूव करता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। और टाइम इसलिए लगाता हूँ कि जब मैं बैकग्राउंड रिमूव कर रहा होता है तो उसी समय मैं डिज़ाइन सोच रहा होता हूँ माइंड में, मेरा माइंड एनालाइज कर रहा होता है कि कलर कौन सा होना चाहिए या डिज़ाइन कैसा बनाने वाला हूँ। मुझे कुछ नहीं पता होता मैं क्या बनाने वाला हूँ। जब मैं कटिंग कर रहा होता तब मैं सोचता हूँ अच्छा मुझे ये बनाना है। तो आई थिंक सब ऐसे वर्क नहीं करते, आप लोग डिफरेंट टाइप से वर्क करते होंगे, आपको पहले से पता होगा कि मुझे ये बनाना है। बहुत सारे शॉर्टकट तरीके हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, जो आपको सही लगे आप उससे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। और हो सकता है आने वाले टाइम में मैं बैकग्राउंड रिमूव करने का एक सीरीज लाऊँ जिसमें हर एक तरीके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसे ऐसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो आप। तो जस्ट मैंने इसको बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। अब मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लूँगा जिसके अंदर मुझे सारे डिज़ाइन बनाने हैं, तो कंट्रोल एन करूँगा तो ये पैनल खुल के आ गया। मैं यहाँ पे 1200x1200 का एक लेयर ले एक डॉक्यूमेंट ले लूँगा, और जस्ट मैं इसको क्रिएट हो गया जस्ट इस डॉक्यूमेंट। अब मैं जो इमेज जो पीएनजी मैंने जिसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया हुआ है, जस्ट मैं इसको इस पर माउस का बटन प्रेस करके होल्ड किए हुए मैं इसको ड्रैग करूँगा इस पर, और इसको मैं इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर दूँगा, क्योंकि मैं इमेज को बार बार छोटा बड़ा करता रहता हूँ, तो इसलिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट सही रहता है कि ओरिजिनल इमेज पे आपको कोई असर नहीं करता, वैसा का वैसा ही रहता है, तो इसलिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने कर लिया है। अब कंट्रोल टी कर प्रेस करके मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लूँगा, क्योंकि मुझे छोटा जितना बड़ा मुझे सही सही नहीं लग रहा, तो मैं इसको छोटा करूँगा। और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके जस्ट आप इस किसी भी कॉर्नर से जब इसको आप छोटा करोगे तो एकदम सारे कॉर्नर से एकदम सही सही छोटा होगा। तो जस्ट मैंने इसको यहाँ पर छोटा करके इतना बड़ा मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेस एंटर, ठीक है। अब जस्ट मैं इसके नीचे मुझे शेडो क्रिएट करना है, तो यहाँ पे न्यू लेयर लूँगा। आप यहाँ पे ये न्यू लेयर मैंने यहाँ पे ले लिया, और मैं यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट करूँगा। डी प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड में तो यहाँ पे ऊपर ब्लैक नीचे वाइट सेलेक्ट हो जाएगा। ब्लैक कलर का मैंने ब्रश ड्रॉ कर लिया है, और इसको एक मैं इसको थिन बनाऊंगा, थोड़ा सा पतला करूंगा और थोड़ा सा इधर से भी छोटा करूंगा, और प्रेस एंटर, और उसका फिर से कंट्रोल टी करूंगा, और इस कॉर्नर से कंट्रोल प्रेस करके इस कॉर्नर से मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींचूंगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर जस्ट यहाँ पर इसको लगा दूँगा, और इसको मैं नीचे ले जाऊँगा लेयर से। इसको मैं लेयर के नीचे ले गया, और फिर मैं यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कर लूँगा, और मैं इसको लेयर के ऊपर ले जाऊँगा कि शैडो थोड़ा रियल लगे, और इसको थोड़ा छोटा कर दूँगा इस पर, ठीक है, छोटा कर दिया। और इसका ओपेसिटी थोड़ा डाउन कर दूँगा, मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, और मुझे फर्स्ट वाले लिए उस पर शैडो सही नहीं लग रहा, तो उसको थोड़ा सा और सही कर दूँगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि शैडो पर जितना ज़्यादा वर्क करोगे शैडो उतना अच्छा बनेगा, ठीक है। तो मुझे अब ये सही लग रहा है। मैं एक और शैडो यहाँ पे क्रिएट करूँगा, न्यू लेयर, एक और शैडो, और जस्ट मैं इसको छोटा करूँगा, और मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके इस तरफ से खींचूँगा तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, और इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा डाउन करूँगा, मुझे हल्का सा इफ़ेक्ट चाहिए कि जस्ट एक शैडो पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कलर फ़िलहाल यहाँ पे रेड ले लेता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ पे जस्ट कलर सेलेक्ट करके और कंट्रोल और बैक स्पेस एक साथ प्रेस करोगे तो इसका कलर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं रूम टाइप का इसमें कलर ले लेता हूँ,
ठीक है, जो पोस्टर का बेस है वो मैंने क्रिएट कर लिया है बेसिकली। तो अब मैं इस पर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूँगा। तो मैं ब्रश पे जाऊँगा और जो ब्रश मैं लेने वाला हूँ अभी, उसका लिंक मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके आप उस ब्रश को यूज़ कर सकते हो। तो ये ब्रश है, ये मैंने इसको यूज़ किया था इसलिए यहाँ आ रहा है। आप जब करोगे तो नीचे कहीं पर यहाँ इधर दिखेगा, तो मैंने यहाँ पर किया था, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर न्यूड लेयर लूँगा और ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा मैं, यहाँ पे एक दो बार इसको प्रेस कर दूँगा, ठीक है। और इसी ब्रश को मैं डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैं इस तरफ इसको रोटेट कर दूँगा इस ब्रश को, ठीक है। अब दोनों ब्रश को मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूँगा, मर्ज कर दूँगा और इसको मूव करके यहाँ ले आऊँगा। अब दूसरी वाली जो पिक्चर है उसको मैं यहाँ लेकर आऊँगा, तो कंट्रोल ओ करूँगा और ये आपकी पिक्चर है, इसको जस्ट मैं ड्रैग करके उसी लेयर पे लेके जाऊंगा और इसको मैं क्लिपिंग मास्क करूँगा, जिसका इस वीडियो में यूज़ दिखाने वाला क्लिपिंग मास्क का ही कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो जस्ट मैं क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दूँगा, ये इसके अंदर में चला गया, ठीक है। अब लेयर को थोड़ा छोटा कर लूँगा इसको और मुझे बस इसका फेस चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, तो जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया है और इसको मैंने यहाँ कर दिया। अब इस तीन जो लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है उसका सेट है, उसको मैं एक साथ अटैच कर दूँगा, तो जब मूव होगा तो ये सारी एक साथ ही होगी मूव। अब जहाँ भी उसको मूव करेंगे आप सेट उस साथ मूव होगा, तो मैंने जस्ट यहाँ पर इसको सेट कर दिया। अब मुझे इसका प्लेन इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं एक और यहाँ पे जाऊँगा और राइट एंगल शेप या कोई सा शेप, जो भी आप शेप लेना चाहो ले सकते हो। मैंने इसके ऊपर जस्ट ड्रॉ कर दिया। अब इस पर भी मैं क्लिपिंग मास्क कर लूँगा, ये भी इसके अंदर चला गया। अब इसका कलर मैं रेड ले लूँगा। अब जो आप कलर बैकग्राउंड कलर फॉन्ट आप अपने हिसाब से लेना, जो आपको पसंद आए, ये नहीं कि मैंने ये लिया तो आप भी वो लेना, आप अपने हिसाब से लेना। अब मैं यहाँ पर कलर चेंज कर दिया है, तो मैं इसका मोड चेंज करूँगा, देखता हूँ किस पे सही लग रहा है। तो ओवरले जो है मुझे इसका सही इफेक्ट दिख रहा है, एक एग्रेशन दिख रहा है और सब कुछ मुझे ओवरले इफेक्ट में सही लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ओवरले पे मैंने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर रेड की जगह पे मैं ब्लू करके भी एक बार देख लेता हूँ कि ब्लू कैसा लग रहा है। तो ब्लू भी मुझे सही लग रहा है, तो मैं इसको ब्लू ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे टेक्स्ट बटन, ये है टेक्स्ट बटन, ये आपका टेक्स्ट बटन होता है, तो टी लिखा हुआ है, जस्ट इसको आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्ले लाइक अ किंग और मैं इसका साइज़ बड़ा कर लूँगा, ठीक है। अब मेरे पास कुछ स्पेशल फॉन्ट है जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, इस फॉन्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो फॉन्ट मैंने रिसेंटली यूज़ किया था, तो टॉप यूज़ में आएगा और इस फॉन्ट को मैं कैप्स लॉक ऑन कर दूँगा इस फॉन्ट, ठीक है। अब मैंने लास्ट वीडियो में फॉन्ट पेडिंग में आपको बताया था कि अगर एक लाइन के टेक्स्ट है तो उसको दो लाइन में कन्वर्ट करो आप, तो मैं सेम टेक्निक यहाँ यूज़ करूँगा। किंग को मैंने नीचे ले लिया है, प्ले लाइक को मैंने ऊपर ले लिया है, ठीक है। अब किंग को थोड़ा बड़ा करूँगा साइज में और दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसको सबसे टॉप पे ले जाऊँगा फिलहाल, और मैं इसको हल्का सा इसको टिल्ट करूँगा और इसको और थोड़ा बड़ा करूँगा लाइक इतना, ठीक है। अब मैं इसको फर्स्ट वाले लेयर के बस मैं नीचे ले जाऊँगा, सेकेंड वाले के ऊपर जो फर्स्ट इमेज है उसके नीचे, प्ले लाइक नहीं दिख रहा है तो उसको मैं थोड़ा छोटा करके इसको दिखाने का कोशिश करूंगा, अब मैं फॉन्ट का कलर व्हाइट कर दूंगा ब्लैक से, ठीक है। और इसको मैं छोटा करूँगा, ऑलराइट,
नहीं, बस मुझे लाइक दिखना चाहिए, तो वो नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरा लेयर है मैं उसी को थोड़ा सा छोटा कर दूँगा कि मुझे मेरा कंटेंट पढ़ने में है। ओके, उसके बीच में गैप डाल दूँगा तो अपने आप लाइक दिख जाएगा। प्ले लाइक का किंग, किंग को थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा मैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि मैंने जस्ट फॉर टेक्स्ट को मैंने सही से अलाइन किया है कि सब कुछ पढ़ने में आया, सब कुछ सही लगे, तो ये इस टाइप का बेसिकली दिख रहा है। तो अब जो मैंने ये इमेज यूज़ किया है, मैं इसको एक बार और यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मुझे इस इमेज को दोबारा फिर से इसी लेयर पे लेके आना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, तो ये इमेज यहाँ पे है, तो मैं इसको ड्रैग करके जस्ट यहाँ पर फिर से यहाँ पर लेके जाऊँगा। अब इसका जो फेसिंग है मुझे इस तरफ है, लेकिन मुझे इस तरफ चाहिए, तो इसको कंट्रोल टी करूँगा और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल, तो ये इस तरफ से आ गया। ठीक है, अब मैं इसको इसकी इसका जो लेयर स्टाइल है इसको भी चेंज करके देखूंगा किस पे सेट अच्छा हो रहा है। तो जिस पे आपको सेट सही लगे आप उस पर कर सकते हैं। तो मुझे इसका सही लग रहा है, ये इफेक्ट सही लग रहा है, और इसकी ओपेसिटी डाउन कर दूंगा जस्ट मैं थोड़ी सी, ले लाइक थोड़ा छोटा कर दूंगा या नीचे कर दूंगा कि दोनों पढ़ने में आए। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर दिया कि वो सही से वो दिखे, सही से पढ़ने में आए, और जो इमेज है उसको मैं यहाँ पे रखूँगा कि उसका भी एक्सप्रेशन दिखे, और उसके थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा दूँगा, थोड़ा सा पता चले क्या हो रहा है, और देखता हूँ किस पे ये सही लग रहा है ज़्यादा। तो मुझे यहाँ भी ये सही लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये डिज़ाइन अब थोड़ा थोड़ा सही लगने लगा है। अब जो लास्ट इफेक्ट है वो बहुत ही सीखने वाली चीज़ है, जो कि मैंने बहुत टाइम में मैंने सीखा है, तो आपको भी शायद ये बहुत ही पसंद आएगा ये लास्ट वाला इफेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, ये मुझे अब ठीक ठीक लगने लगा है, चलो मैंने जो बेस है वो क्रिएट कर लिया, अब एक ऐसा इफेक्ट डालूँगा ये डिज़ाइन अपने आप अच्छा लगने लगेगा। तो मुझे यहाँ पे एक मैंने एक वॉलपेपर डाउनलोड किया है, जो कि एक कार चल रही होती है, जो उसके जो डस्ट जो उड़ता है ना, तो ये डस्ट का जो पिक्चर है वो नेट पे अवेलेबल है, कोई भी आप पिक्चर यूज़ कर सकते हो जहाँ पे डस्ट हो, तो मैंने ये यूज किया है। तो जस्ट मैं यहाँ पे ड्रैग करके इसको इसके ऊपर ले जाऊँगा, ड्रैग करके इसके ऊपर ले गया, और मैं इसकी साइज थोड़ा और बड़ा कर दूंगा इसको, मुझे फालतू के एरिया चाहिए, जस्ट मुझे वो चाहिए, मुझे फालतू का एरिया नहीं चाहिए था, जस्ट मुझे ये जो इफेक्ट दिख रहा है, जो जो धूल दिख रहा है वो मुझे चाहिए था। उसके बाद मैं इसका ओपेसिटी से प्ले करूँगा। अब आप देखो कितना मज़ा आने वाला है, ये देखो ये देखो, जस्ट आप इसका लेयर स्टाइल मोड चेंज करो और ये इफेक्ट अपने आप एक अमेजिंग सा इफेक्ट दिखने लगेगा आपको। तो मुझे सेकंड वाला जो दिखा था वो मुझे सही लग रहा था। तो ये जो डार्कन मोड पे मुझे ये सही लग रहा है, तो मैं इसको डार्क करके मैं इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये मुझे सही लग रहा है, और मैं इसकी जो जो ये लेयर लिया उसका मैं थोड़ा सा ऑपोसिटी इसका डाउन कर दूंगा, मुझे इतना नहीं चाहिए, हल्का सा दिखाना है, इतना नहीं दिखाना मुझे। तो ये बेसिकली जो मेन चीज़ है वो क्रिएट हो गया। तो अब आपको लग रहा होगा कि डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो छोटी से छोटी डिटेल होती है, अगर आप उससे वर्क नहीं करोगे तो वो कभी अच्छा लगेगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी टाइम लगा लो, 2 दिन 4 दिन लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी सी डिटेल तो कुछ सेकंड में हो जाती है, अगर वो नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर लेयर सबसे ऊपर जाऊँगा और ये आइकन पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे लूँगा लेवल्स, और लेवल को इस तरफ से मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूँगा। ठीक है, उस तरफ से थोड़ा बढ़ा दूँगा, डार्क एरिया को थोड़ा बढ़ाया और लाइट एरिया को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट लगने लगा है, अब सारे एक जैसा लगने लगा है कि सबकी बराबर लाइटिंग जा रही है, सबको उतना ही वेट मिल रहा है जितना मिलना चाहिए उसको। ओके, अब मुझे यहाँ जो ब्लू कलर है मुझे सही नहीं लग रहा, तो उस ब्लू कलर के साथ मैं प्ले कर सकता हूँ, कौन सा कलर सही जाएगा। तो मैं इसको हल्का सा रेड पे ही ले जाता हूँ, और इस कलर का जो बैकग्राउंड कलर है उसका मैं इसको चेंज कर दूंगा,
अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसके पीछे अब जो भी बैकग्राउंड लूंगा ना वो अच्छा लगेगा, बिकॉज मैंने जो डिज़ाइन का जो बेस बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए कुछ भी कर लो आप यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट ब्लू कलर लेता हूँ और ब्लू कलर इसको कर दिया, तब भी इसका लुक बहुत सही लग रहा है। ठीक है, अब मैं हल्का सा इस टाइप का कलर मुझे अच्छा पसंद आते हैं, तो मैंने ये कलर कर दिया, तो ये भी सही लग रहा है। अब यहाँ पे ये जो पत्थर है उसके फेस पे आ रहा है, तो मैंने इसको जस्ट थोड़ा थोड़ा मूव कर दिया। अब इस रेड को मैं किसी और कलर में भी करूँगा तब भी अच्छा लगेगा। तो ये फाइनली अब जाके पोस्टर थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हुआ है। अब मैं इसका लास्ट इफेक्ट डालूंगा कि सबका कलर टेम्परेचर में एक जैसा करूँगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे आऊँगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा इस, अब ये जो आइकन है फोर्थ वाला, इससे मैं जाऊँगा राइट क्लिक करूँगा, फोटो फिल्टर लूँगा कि सारे इमेज का कलर टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। तो इसमें देखूँगा मुझे कौन सा सेट लग रहा है सबसे सही लगेगा, जो कलर फील आप देना चाहते हो इसमें आप दे सकते हो। तो मुझे ये सही लग रहा है, जैसे इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँगा या फिर दूसरा कुछ ट्राई करके देखूँगा कौन सा सही लग रहा है। तो ये भी सही लग रहा है। तो फाइनली ये डिज़ाइन कंप्लीट है, और मैं लास्ट जो यूज़ करूँगा इसमें इसकी ओपेसिटी और थोड़ी सी डाउन कर दूँगा। इसके साथ आप प्ले कर सकते हो, ये भी अच्छा लग रहा है। आप इसको कलर या फिर अलाइनमेंट ओपेसिटी अपने हिसाब, जो आपको सही लगे, जो आपको आईज को सही लगे वो आप यहाँ पे उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जस्ट ओपन करके मैं अपना लोगो यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे, जो मैंने इसका यहाँ पे लोगो लगा दिया है कि ये देखने में थोड़ा सही लगे, और लोगो का मैंने जस्ट कलर चेंज करके वाइट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे जस्ट लोगो लगा दिया। अब इस और नीचे मुझे सोशल मीडिया आइकन लगाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाऊँगा और मैं अपनी पुरानी फाइल में से सोशल मीडिया आइकन उठा लूँगा, जो कि ये मेरे यूट्यूब का कवर बैनर था, उसे मैंने सोशल मीडिया आइकन लगाए थे। मैंने जस्ट यहाँ पे इसको ड्रैग करके ग्रुप को मैंने इसको यहाँ पे करके थोड़ा छोटा कर दिया इसको, और छोटा, और इसको मैं सेंटर में ले आऊँगा। तो फाइनली ये डिज़ाइन कंप्लीट है। कलर फॉन्ट आप अपने हिसाब से लेना, जो आपको सही लगे वो करना। और ये जो मैंने इस टाइप का फॉन्ट इसलिए लिया है बिकॉज इसमें एक एक्शन है और पूरे इमेज में एक एक्शन दिख रहा है। तो मेरी लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने यही बताया था कि इस टाइप का चीज़ हो तो आपको ऐसा फॉन्ट लेना है बोल्ड सा, जिसमें लगे कि हाँ फॉन्ट में भी एक्शन दिखना चाहिए। तो मैंने ये फॉन्ट लिया है और इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इस टाइप के वीडियोस, आप इस टाइप के पोस्टर्स आप बना सकते हो। तो आई होप आपने आज कुछ नया सीखा हो। जो भी चीज़ मैंने इस वीडियो में यूज़ किया है सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और मैंने जस्ट ये शेप लिया है, आप किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ लेके आप क्लिपिंग मास्क के थ्रू उस बैनर को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो आप जो भी वर्क करो मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ टैग करो कि मैं देखना चाहता हूँ कि यार आप लोग किस टाइप का वर्क कर रहे हो, या फिर जो मैं सिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, तो वो मैं देखना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे टैग करना, और थैंक यू सो मच। बहुत जल्द नए वीडियो में फिर से मिलते हैं।